आज तो सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित हमारी जज्जर से विधायक भी और एक बहुत ही लोकप्रिय और एक बहुत ही जो हुड्डा साहब के साथ और मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के हमारी बहन गीता भुकल जी, हमारे आदरणीय राज सिंह जाखड़ जी, हमारे कमेटी रामलीला के प्रधान दीवान साहब, हमारे जिनके घर आए हुए हैं भाई सुनील जाखड़ जी, उदय भान जी, सबसे पहले आप सबके माध्यम से हम सब मिलके आज खुशी के इस अवसर पे सभी देशवासियों को प्रदेशवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। ये दशहरा और आने वाले समय में दिवाली सभी के घरों में ढेरों खुशियां लेके आए। एक बहुत दुखदायी समय दुनिया ने देखा, हमारे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा और हमारे इलाके ने भी देखा, जिसमें क्योंकि दिल्ली के जहाँ हम नज़दीक थे तो दिल्ली के नज़दीक से कोरोना का काफ़ी एक मैं जिसे कहूँगा माड़ा बखत कहेंगे हमारी लोकल भाषा में, हर कोई कोई ना कोई इसी एक व्यक्ति को ऐसा जानता होगा जो उसका कोई जानकार, कोई नज़दीकी, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त इसने जो इसमें प्रभावित हुआ परिवार ऐसा समय देखा। तो आज रावण दहन के साथ बुरे वक्त का भी दहन हो, ये जो बुरे वक्त है चला जाए, ऐसी हमारी सबकी पूरे झज्जर वासियों की हमने मिलकर आज ये ईश्वर से प्रार्थना करी, श्री राम से प्रार्थना करी, चाहे वो महामारी हो चाहे बाकी जो कोई दुख तकलीफ, सारी दुख तकलीफ महामारियों का अंत हो, सामाजिक बुराइयों का अंत हो और एक खुशहाली की तरफ हमारा इलाका आगे बढ़े, देश प्रदेश आगे बढ़े, ऐसी आज हमने ईश्वर से प्रार्थना करी है। बाकी कोई आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। लगातार कहीं ना कहीं मोदी सरकार के पुतले रोष भी है। देखिए 11 महीने से एक साल से आंदोलन चल रहा है, बहुत लंबा समय होता है। एक साल तक अगर सरकार अनसुनी करे लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि हमारा देश अभी तो लोकतंत्री है, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज के दिन लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अपनी प्रजा की बात इस तरह से अस्वीकार करना, उनका तिरस्कार करना कहीं ना कहीं अनुचित है और दुखदायी है। तो ऐसे में किसानों की जो दर्द है, किसानों की तकलीफ है, उसको देख के हम लोग भी बहुत दुखी हैं, आप लोग भी बहुत दुखी हैं। कोई भी हो प्रजा के, अपने प्रजा में का कोई भी वर्ग हो, वो अगर सरकार के फैसले जो उस वर्ग को प्रभावित करे उस फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है और इतने लंबा संघर्ष करता है तो उसमें उनकी सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि किसान की बात नहीं है, लोकतंत्र की यही एक परिभाषा है। तो आज बड़ा अफसोस है और कहीं ना कहीं घमंड, जो आपने कहा कि भाई जगह जगह किसानों ने मोदी सरकार का, वो मोदी सरकार जो रावण की लंका का भी जो अंत हुआ था, आपको सर बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था उस समय का, उनका भी जो अंत हुआ था वो जो है घमंड, अहंकार। अहंकार ऐसा दुश्मन है जो मनुष्य के भीतर घुस के उसको मारता है, सामने से नहीं अंदर घुस के मारता है। ये इस सरकार में अहंकार घुस गया, जिसका उदाहरण आपने लखीमपुर खेड़ी में भी देखा, कितना अहंकार, जो मंत्री पुत्र थे उनका जो अहंकार था, क्या वो स्वीकार्य है या होना चाहिए। और आज तक वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं, उनको हरी झंडी दे दी गई गृह मंत्री द्वारा कि आप अपना काम करो। अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वहां का लखीमपुर का पुलिस इंस्पेक्टर जो आईओ जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होगा, क्या वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उनके परिवार के किसी व्यक्ति के खिलाफ? जब एक हफ्ते तक मंत्री जी ने खुद कहा कि एक हफ्ते तक उनके सपुत्र, उनके बेटे मुख्य आरोपी उनके घर पे थे, बीमार थे, जुकाम था, इसीलिए नहीं, तो एक हफ्ते तक पुलिस दरवाजा कुंडी खटखटा के भीतर नहीं घुस पाई। पूछताछ करने 302 के मुकदमे में, जिस मुकदमे के वीडियो वायरल हुए जिसे देश का हृदय कांपा, एक हफ्ते तक अंदर पूछताछ के लिए नहीं घुस पाई, केवल एक बाहर
नोटिस चिपकाने की हिम्मत जुटा पाई पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फटकारों के बावजूद, तो जब तो आगे कार्रवाई क्या करेगी जब तक मंत्री अपने पद पे बने रहेंगे? आगे कार्रवाई नहीं कर सकती, तो जो है जिसको कलम चलानी होगी उसकी तो उंगलियां कांपेंगी जो अंदर नहीं घुस पाई पूरी पुलिस फोर्स। तो ये आप इमेजिन करें, तो ये कहीं ना कहीं वो जो सारी घटना है ये भी अहंकार को प्रदर्शित करता है। इस पूरे मामले में सरकार को अहंकार त्यागना चाहिए, उस मामले में भी न्याय होना चाहिए। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जीवन में आदमी को अलग अलग तजुर्बे हो जाते हैं, ये एक ऐसा तजुर्बा था जिससे मैं वंचित था। अभी तक जेल दर्शन नहीं, वो सारे वो तो सारे जानते ही थे बहन जी, तो जेल दर्शन का अभी तक अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। लेकिन न्याय की लड़ाई में, उन परिवारों के साथ खड़े होने की लड़ाई में, कि भाई उनको ये दिखाने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार, गृह मंत्री, सारी पुलिस अगर मुख्य आरोपी के साथ दिखाई देती है तो आपके साथ भी कोई ना कोई है। केवल इस बात के बात को भावना लेके हम लोग गए वहाँ, और उसमें जो मैं धन्यवाद करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि मौका मिला, जीवन में पहली बार पुलिस हिरासत और जेल दर्शन का एक मौका मिला। मैं जिस न्याय की लड़ाई में इसमें जाने का मौका मिला, मैं ये मानता हूँ, मैं तो अपनी तरह उत्तर प्रदेश गया था और गंगा ही नहा के वापिस आया हूँ, क्योंकि किसान की, मजदूर की लड़ाई में ये ऐसा मौका मिला। एलनाबाद के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, तीन चीज़ें हैं एलनाबाद में, तीन मुख्य प्रत्याशी हैं। मैं तीनों के बारे में एक एक लाइन बोल देता हूँ, आप उसके बाद। पहला है सत्तादल, फिर जो अभय सिंह जी है, और फिर कांग्रेस। जब जब कभी गठबंधन हुआ है देश के इतिहास में तो लड़ाई हुई है गठबंधन के दलों में कि ये सीट मैं लड़ूंगा, ये सीट मैं लड़ूंगा। हर सीट पे लड़ाई हुई है, गठबंधन भी टूटे हैं कि भाई ये एक सीट पे टूट गए कि भाई इस सीट पे मैं लड़ूंगा, इस सीट पे मैं लड़ूंगा। पहला एक चुनाव हुआ कि लड़ाई तो हुई मगर मैं लड़ूंगा नहीं, तू लड़ और तू लड़ के नाम पे। बीजेपी ने कहा कि जेजेपी तू लड़, अखबार में खबर आई कि बीजेपी ने पल्ला झाड़ा, जेजेपी से उम्मीदवार आएगा। अगले दिन जेजेपी ने कहा कि हमने असमर्थता जता दी और अगर गठबंधन हमें हमारे साथ गठबंधन रखना है तो बीजेपी को उम्मीदवार लाना पड़ेगा। तो ये प्रजा से इतना बचता हुआ दिखाई दिए सत्ता दल के, दोनों गठबंधन के दल, ये कभी मैंने जीवन में नहीं देखा। इस सरकार की कितनी अलोकप्रियता है उस बात का आप अंदाजा लगा लें। दूसरे उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला, जो ये कह के उन्होंने इस्तीफा दिया कि किसान का साथ देने का एक ही तरीका है, विधानसभाओं और लोकसभाओं से बाहर आए, सांसद और विधायक इस्तीफा दें, आपने देखा होगा। तो उनसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या वो अब वो अपने खुद के बयान से पलट रहे हैं? क्योंकि हुड्डा साहब ने उस समय बयान दिया था कि इनसे लड़ने का तरीका ये, कानून विधानसभा और लोकसभाओं में ही बनते हैं, वहां पे जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए जाएंगे, इनके खिलाफ मतदान नहीं किया जाएगा, इन पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, तब लड़ाई लोकतंत्र के अंदर संवैधानिक रूप से वही लड़ाई का तरीका है। इन्होंने कहा था नहीं, हुड्डा साहब गलत कह रहे हैं, इन असेंबली और पार्लियामेंट से बाहर आके लड़ाई लड़े तो किसान को मजबूती मिलेगी। तो क्या वो उस बयान से पलट रहे? क्योंकि अगर वो जीत गए खुदा ना खास्ता, तो क्या वो उस विधानसभा में जाएंगे या किसान को मजबूती देने के लिए फिर दोबारा इस्तीफा देंगे? या तो दोबारा इस्तीफा देंगे अगर वो अपनी पहलानी बात पे कायम है, तो फिर उनको क्यों चुना जाए? दूसरी बात, अभय सिंह जी का एक स्टेटमेंट आई, आपने देखी होगी, जो हमारे उम्मीदवार हैं पवन बेनीवाल जी, उनको लेकर आपने देखी स्टेटमेंट, वो वीडियो वायरल हो रही है स्टेटमेंट कि भाई ये तो मेरे साथ लग के कब्जों में, बाकी यानी कि आपराधिक कार्यों में बाकी लग के इन्होंने पैसा कमाया और अब ये खिलाफ आ।
पहली बात तो हम उस स्टेटमेंट का खंडन करते हैं, जहां तक पवन सिंह पवन बेनीवाल जी की बात है, वो आपराधिक कार्यों में अभय सिंह के साथ शामिल नहीं थे, हम उनका खंडन करते हैं पवन बेनीवाल। लेकिन अभय सिंह जी का एक खुद का ये कहना कि ये मेरे साथ लगे हुए थे, एक कबूलनामा है। अगर वे स्वयं आपराधिक कार्यों में लगे हुए थे तो इस बात का संज्ञान जनता भी ले, सरकार को भी लेना चाहिए। तो वो जो है, क्योंकि वो खुद के बारे में तो झूठ बोल नहीं सकते, दूसरे को तो कल को कह देंगे भाई मैं मेरे साथ भाई गलत काम में ये भी था वो भी था, वो तो किसी और का नाम ले सकते हैं, लेकिन उनका खुद का क्या। तो खैर, उस पार्टी को ये मंथन करना चाहिए। इनेलो के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, आज वो समाप्त हो गई। प्रदेश में 77 के बाद पहली विधानसभा आज के दिन एक ऐसी विधानसभा है जिसमें इनेलो का एक भी विधायक नहीं है। उनको आत्मंथन करना चाहिए, उनकी क्या कार्यशैली रही, जो एक पार्टी जो बिल्कुल समाप्त होगी, हरियाणा में एक विधानसभा की पार्टी बनके रहेगी, जिसमें भी अब कशमकश चल रही है कि कौन जीते है कौन। ऐसे में प्रदेश के लोग सकारात्मक विकल्प के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी की तरफ देखते हैं। 10 साल के हमारे कार्यकाल को याद रखते हैं जब हरियाणा आगे गया, और बदलाव की तरफ मतदान करेंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ मतदान करेंगे। एलनाबाद का ये चुनाव का, आप इसमें से चाहे बीजेपी के खिलाफ उठाओ लाइन, चाहे इसमें अभय सिंह जी के खिलाफ उठाओ, चाहे जेजेपी के खिलाफ उठाओ। अच्छा, एक बाजरे की बात, बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि ये हमने कहा था कि ये जो है, ये जो किसान, ये जो 3 कृषि कानून आए उसमें सिद्धांतन एक जो संसद के अंदर मैंने वो पॉइंट रखा था, हमें कोई प्राइवेट सेक्टर से कहीं कोई तकलीफ नहीं है, मगर सिद्धांतन जो एक बात इसमें जो सवाल उठा था कि सरकार कहीं ना कहीं सरकारी खरीद से पीछे हटना चाहती है, और निजी क्षेत्र को और खास तौर पर बड़े औद्योगिक घरानों को निजी खरीद के अंदर लाने की आड़ में अपना हाथ पीछे खींचेगी, धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी से हटेगी। ये हमारा मूल विरोध है इस 3 कानूनों को लेके। इसमें जो इस बार, पहले तो धान की खरीद आपने देखी, धान की खरीद में पहले 25 सितंबर से तारीख दी सरकार ने, फिर 1 अक्टूबर की दी, फिर 11 की दे दी, फिर आंदोलन जब किया, जब मैं स्वयं कई मंडियों में गया, किसान यूनियन वालों ने आंदोलन किया, तो जाके धान की खरीद शुरू हुई, और वो भी इस कंडीशन पे कि 1 एकड़ से पिछले साल तक 33 क्विंटल ली जाती थी, इस साल 25 क्विंटल कर दी, मतलब हर साल कम कर रहे हैं। पहले कोई कंडीशन नहीं हुआ करती, पहले हमारे समय कोई कंडीशन नहीं थी। इसी प्रकार से बाजरे की खरीद, मैं कुछ कहूँ उसको आप मत मानिए, आप कुछ लिखें उस बात की, लेकिन आप मंडी में जाओ, झज्जर मंडी में, या किसी बाजरे किसान के पास जाओ झज्जर में, कि बाजरा सरकार न्यूनतम MSP पे ले रही है कि नहीं ले रही। आज बाजरे को MSP के लगभग आधे 1200 तक का यहाँ पे खरीद हुई है बाजरे की, आपका 1000 से 1200 रुपए की खरीद चल रही है, 1000 से 1200 की, मैं जो 1250 भी कह रहा हूँ, ये कल आखिरी खरीद कोसली में सबसे ज्यादा 1250 खरीदी हुई एक कोसली में, और 2250 इसके MSP डिक्लेयर है। तो ये आमदनी दुगनी कब कैसे होगी, जब जो समर्थन मूल्य भी आप घोषित कर रहे हो उससे आधे में खरीदारी हो रही है, और केवल आधे में खरीदारी नहीं, बाजरे पे भी आपको पता है प्रति क्विंटल कंडीशन है, प्रति एकड़ आपकी जितनी उत्पादन है उसका आपकी कंडीशन है 25% की और सारी। तो ऐसे में आज बाजरे का जो परिस्थिति है वो, उसमें हम प्रदेशी किसान के साथ हैं, लड़ाई लड़ेंगे, जल्दी सारी मंडियों में भी हम प्रोग्राम करेंगे, जैसे धान के समय में सारी मंडियों में गए थे, बाजरे में भी जाएंगे, लेकिन ये सरकार की नीयत उजागर होती है किसान की आज जिस तरीके से। और DAP का देख रहे हो आप, खाद के टाइम खाद नहीं, बुआई के टाइम खाद नहीं पूरी, कटाई के टाइम पूरी खरीद नहीं, बोली के टाइम पूरा भाव नहीं, उठान के टाइम मजदूर को पूरी दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ी भी 1 रुपये कम कर दी इन्होंने जो सरकारी है, आपने देखा होगा मंडी में। हाँ, बाजरा 8 से 6 क्विंटल 25% बोल दिया जी वो, तो ये, और भुगतान के समय पूरी पेमेंट नहीं टाइम पे, तो आने वाले समय में
पूरे हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं, ये लोगों का नारा है। एक चीज और देखी है मैंने कि एक किसान की गिरदावरी हुई कपास की फसल की और उसके पास दो दिन बाद अपनी जिम्मेदारी से हटेगी। ये हमारा मूल विरोध है इस तीन कानूनों को लेके। इसमें जो इस बार पहले तो धान की खरीद आपने देखी, धान की खरीद में पहले 25 सितंबर से तारीख दी सरकार ने, फिर एक अक्टूबर की दी, फिर 11 की दे दी, फिर आंदोलन जब किया, जब मैं स्वयं कई मंडियों में गया, किसान यूनियन वालों ने आंदोलन किया, तो जाके धान की खरीद शुरू हुई और वो भी इस कंडीशन पे कि एक एकड़ से पिछले साल तक 33 क्विंटल ली जाती थी, इस साल 25 क्विंटल कर दी, मतलब हर साल कम कर रहे हैं। पहले कोई कंडीशन नहीं हुआ करती, पहले हमारे समय कोई कंडीशन नहीं थी। इसी प्रकार से बाजरा, बाजरे की खरीद मैं कुछ कहूँ उसको आप मत मानिए, आप कुछ लिखें उस बात की, लेकिन आप मंडी में जाओ झज्जर मंडी में या किसी बाजरे किसान के पास जाओ झज्जर में कि बाजरा सरकार न्यूनतम एमएसपी पे ले रही है कि नहीं ले रही। आज बाजरे को एमएसपी के लगभग आधे 1200 हद है 1250 तक का यहाँ पे खरीद हुई है बाजरे की, आपका 1000 से 1200 की, मैं जो 1250 भी कह रहा हूँ, ये कल आखिरी खरीद कोसली में सबसे ज्यादा 1250 खरीदी हुई एक कोसली में, और 2250 इसके एमएसपी डिक्लेयर है। तो ये आमदनी दुगनी कैसे होगी जब जो समर्थन मूल्य भी आप घोषित कर रहे हो उससे आधे में खरीदारी हो रही है, और केवल आधे में खरीदारी नहीं, बाजरे पे भी आपको पता है प्रति क्विंटल कंडीशन है, प्रति एकड़ आपकी जितनी उत्पादन है उसका आपकी कंडीशन है 25% की और सारी। तो ऐसे में आज बाजरे का जो परिस्थिति है वो उसमें हम प्रदेशी किसान के साथ हैं, लड़ाई लड़ेंगे, जल्दी सारी मंडियों में भी हम प्रोग्राम करेंगे, जैसे धान के समय में सारी मंडियों में गए थे, बाजरे में भी जाएंगे। लेकिन ये सरकार की नीयत उजागर होती है किसान की आज जिस तरीके से, और डीएपी का देख रहे हो आप, खाद के टाइम खाद नहीं, बुआई के टाइम खाद नहीं पूरी, कटाई के टाइम पूरी खरीद नहीं, बोली के टाइम पूरा भाव नहीं, उठान के टाइम मजदूर को पूरी दिहाड़ी नहीं, दिहाड़ी भी 1 रुपये कम कर दी इन्होंने जो सरकारी है, आपने देखा होगा मंडी। हाँ, बाजरा 8 से 6 क्विंटल 25% बोल दिया जी वो, तो ये, और भुगतान के समय पूरी पेमेंट नहीं टाइम पे। तो आने वाले समय में पूरे हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं, ये लोगों का नारा है। एक चीज और देखी है मैंने कि एक किसान की गिरदावरी हुई कपास की फसल की और उसके पास दो दिन बाद